चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण किसी बात से तुम उत्साहित हीन न हो, जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है कौन इस पृथ्वी पर हमारी अपेक्षा कर सकता है। यदि तुम अपनी अनितम सांस भी ले रहे हो तो भी न डरना, सिंह की सुरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो। स्वामी विवेकानंद। आदर्श विहीन उस नाविक की तरह है जिसने बिना पतवार के ग्रहण तूफान में अपनी नाव खोल दी हो। उसे यह ज्ञान नहीं कि किधर जाना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें किसी आध्यात्मिक गुरु की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति सोचते हैं हमें कौन पूछने वाला है, हम किसी गणना में है, हमसे क्या होना जाना है। इस प्रकार मन स्थिति से वे अपनी तुच्छता तथा हीनता की कृतिष्ठ ग्रथित को और सुदृढ़ करते हैं और कायरता बद्धूपन तथा घोर निराशा में निरंतर रहते हैं। लेखों और भाषणों का युग अब बीत गया। गाल बढ़ाकर लंबी चोटी डिग हाक कर या बड़े बड़े कागज काले करके संसार के सुधार की आधा करना व्यर्थ है। इन साधनों से थोड़ी मदद मिल सकती है पर उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। संसार को सुधारने का प्रधान साधन यही हो सकता है कि हम अपना मानसिक स्तर ऊंचा उठाए, चरित्रात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत उत्सुक बने, अपने आचरण से ही दूसरों को प्रभावशाली शिक्षा दी जा सकती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव।